एक और नाका आ चुका है भाई। आज क्या दो दो जगह रुकना पड़ेगा भाई? नहीं, इसको तो नहीं रोकेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर रोकते भी हैं तो देखा जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी भैया, हाँ जी। नहीं, साइलेंसर नहीं मॉडिफाइड है, ये 1000 cc है। 1000 cc है तो उसका क्या है कि नहीं साइलेंसर? चलो उधर दिखाओ, आप कंपनी से बात करो, अगर उन्होंने जांच ला लो भाई। वायलेशन के लिए बोला है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी सर। सर ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हमारी गाड़ी का ये रही, ये सर हमारी RC है, और इसी में बता रहा होगा आपको। अब आप कह रहे हो एग्जॉस्ट के लिए, तो सर ये आता है लाइक इंडिया में नहीं बनती है ये, इसको कहते हैं हम CBU यूनिट्स, कम्प्लीटली बाहर से जापान से बन के हमारे यहाँ आती हैं। तो ये हमारे नॉर्थ में सिर्फ एक ही गाड़ी है। एक ही गाड़ी? हाँ जी। हाँ जी, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए एक बार। नहीं सर, वो आता ही ऐसा है, मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। हाँ जी सर। सर मैं बेसिकली एनिमेशन का काम करता हूँ, कार्टून वगैरह जो आपके बनते हैं ना, वो काम करता हूँ मैं। हाँ हाँ, ये भी कॉल आउट हो रहा है। हाँ जी। नहीं सर, इसमें जैसे वो तो बिकलर चीज नहीं, कलरी फायदा वो करेंगे वो कंपनी, ये थोड़ी होता है बॉयलेज, ये तो ऐसे बिफोर तो उससे भी बड़ा है भी। नहीं सर, आप एक सेकंड, ये नहीं होता है। नहीं, आपको सुन तो लेनी चाहिए एटलीस्ट मेरी बात। जब वायलेशन है, बिल्कुल वायलेशन है, मैं एग्री करता हूँ, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करनी है? एक सेकंड, आप आगे आइए, यहाँ पर आइए। ऐसे जनरल जितनी भी बाइकें होती हैं उनमें सर कितने हेडर्स होते हैं, लाइक पिस्टन कितने होते हैं? मुझे हमें मत पढ़ाओ ना। नहीं सर, मैं पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं सर। आप पकड़े पकड़े सी पहन जो। अब ये यहाँ पर टाइम लगेगा बिना मतलब में यार, देर में कॉल करता हूँ। आई एम जस्ट रीचिंग होम, देन मैं आपको आराम से कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में घर पे पहुँच रहा हूँ, देन मैं आपको आराम से कॉल करता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पर लगा होता है लाइक अपना पुलिस की चेकिंग वगैरह चल रही होती है, और वो देखो भाई वहाँ पर वो मोड़ रहे थे पीछे, एंड उसने खुद तो गिरा ही गिरा, साथ में किसी दूसरे को भी गिरा दिया। ये तो गलत है माए, बीच में से मोड़ रहे हैं ये। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। नहीं ये गलत है, अब ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से मुड़ना कोई ठीक बात थोड़ी है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है भाई साहब। मुझे ये सब चीज़ समझ नहीं आती कि पूरे जम्मू में मुझे कोई नहीं पूछता, और शायद यहाँ पर भी इनको पता नहीं होगा, और मेरे खुद का घर यहाँ पर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर मुझे ये वाला सीन देखना पड़ गया। मैं उनको वही चीज़ समझा रहा हूँ भाई, इसमें 4 सिलेंडर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब, जब मैं ऐसे पूरी इंडिया घूमाऊंगा ना, कसम से बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता यहाँ, मुझे अजीब नहीं लगता। मैं पूरा जम्मू घूम लूँगा, मुझे कोई डर नहीं लगता सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स के अंदर रहता हूँ। बट जब मैं अखनूर आता हूँ ना, तो अखनूर में मुझे पता है भाई साहब ऐसे पंगे आते ही आते हैं, अखनूर वालों को बहुत ज़्यादा चुले। और ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है यार, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट ये सुनते नहीं है बात, बस उस चीज़ से थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। क्योंकि एक अंकल जो सीनियर थे उनके, वो एकदम आराम से काम लिए, उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए,
एंड उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो दूसरे वाले अंकल थे दे वॉन्ट टू नो भाई क्यों आ रही है इसमें से ज़्यादा आवाज़। तो देखो दिस इज़ अ क्रॉस प्लेन इंजन, अब अगर मैं उनको क्रॉस प्लेन के बारे में बताता ना कि ये क्रॉस प्लेन है तो वो मेरी लेनी देनी कर देते, उनको समझ नहीं आती भाई साहब कि क्या आते हैं क्रॉस प्लेन। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ एक बार इंटरनेट पे चेक करो, देन यू विल केम टू नो कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये सीन है भाई अपने यहाँ के, बाकी वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी ऐसे पनिशेबल जो ऑफेंस होते हैं उनको तो उनको पकड़ना ही है। अब गाइस एक और बात होती है, मैं भी इन चीज़ों के खिलाफ हूँ कि आपको स्टॉक एग्जॉस्ट पे स्टिक करना चाहिए, बट अगर हम इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस तक दे रहे हैं, अब ये जो आप ब्रांड्स की बात कर लो चाहे एक्रोपोविच है चाहे SC प्रोजेक्ट है, इन सब पे हम टैक्स वगैरह दे रहे हैं, जब हम उसके बाद अपने बाइक में एग्जॉस्ट डालते हैं तो मुझे एयर फ्यूल रेशो की ज़्यादा चिंता होगी एज कम्पेयर टू देम। और वो इसलिए क्योंकि भाई इसमें प्रॉपर रीमैपिंग हो रखी है, जो एयर और फ्यूल का रेशियो है वो एकदम सही हो रखा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई गाड़ी पोल्यूशन बाहर निकाल देगी, बट ये जो नॉइस पोल्यूशन है दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट ऑब्वियसली 25 लाख खर्चे हैं भाई अगर किसी बंदे ने 1000 CC बाइक पे क्रॉस प्लेन पे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडिया में हमें बहुत परेशान करती हैं भाई, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई नीचे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।